अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली डिलाइट्स विद सबा। कैसे हैं सारे व्यूवर्स? आज की जो वीडियो है वो है एक प्रोडक्ट रिव्यू। बहुत ही जबरदस्त सा मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाने लगी हूँ आज। मेरे चेहरे पे कुछ अरसे से नए नए तिल बन रहे थे, यानी कि जो मोल्स होते हैं, ठीक है जी, डार्क कलर के, यानी कि ब्लैक कलर हो गया या डार्क ब्राउन कलर हो गया। जब भी मैं शीशा देखती थी तो मुझे लगता था कि ये तिल पहले यहाँ पे नहीं था और ये नया बन गया। जाहिर है जो एजिंग होती जाती है तो आपके स्किन में चेंजेस आती जाती हैं, कोई ना कोई इशू चलता ही रहता है, कभी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, फिर मोल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो समवन रिकमेंडेड मी अ प्रोडक्ट और उनको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे, सो दे रिकमेंडेड इट टू मी एंड आई परचेज्ड इट एंड आई यूज्ड इट। और उसको मैंने 3 से 4 दफा यूज किया है एंड इट हेल्प मी अ लॉट टू रिमूव दोज मोल्स। तो मैंने सोचा कि आई शुड शेयर दिस प्रोडक्ट विद यू, आप लोगों को मैं जरूर बताऊं कि ये क्या प्रोडक्ट है। सो दिस इज द प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इट इज कॉल्ड अ मोल रिमूवर पेन। ठीक है, आप लोगों में से बहुत से लोग इससे वाकिफ होंगे, कुछ लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में। तो सबसे पहले इस बॉक्स को मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ कि ये क्या है, क्या डिवाइस है ये। इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, ठीक है जी, और बहुत सिंपल सी डिवाइस है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है यूज करनी। सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं और फिर साथ साथ में मैं आपको बताती जाती हूँ कि इसको किस तरह से यूज करना है। अच्छा जी, ये बॉक्स को मैंने खोल लिया, इसके अंदर से ये 3-4 चीजें निकलेंगी। सबसे पहले इसका यूजर मैनुअल है, ठीक है जी, उसके बाद ये यूएसबी वायर है, ये चार्ज होती है, ठीक है जी, आपने इसको पहले चार्ज कर लेना है ये लगा के। जब ये चार्ज हो रही होगी तो इसकी जो 3 लाइट्स हैं यहाँ पे वो ब्लिंक कर रही होंगी, जो ब्लिंक होना बंद हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि ये चार्ज हो चुकी है। उसके बाद ये मेन मशीन है जो हम यूज करेंगे और ये इसके अटैचमेंट्स हैं जो साथ लगेंगे और जिससे हम लोग अपना जो मोल रिमूवर का प्रोसेस है वो करेंगे। ठीक है, ये वाली जो बारीक वाले नीडल्स हैं, आई लिटरली डोंट नो अबाउट दीज के ये किस लिए यूज होते हैं। जो हमने यूज करनी है अटैचमेंट वो है ये वाली जो पतली वाली है, मैं आपको भी निकाल के भी दिखाती हूँ, इसको असेंबल कर लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरह से यूज करना है। तो ये मैंने आपको इसमें दिखाई है ना जी कि ये 2 अटैचमेंट्स हैं। अच्छा, ये वाली जो है ना, ये आई सीरियसली हैव नो आइडिया कि ये किस लिए है। ठीक है, बहुत बारीक सी नीडल्स हैं इसके आगे और मेरे ख्याल से ये कोई टैटूज वगैरह या इस तरह के किसी मकसद से यूज होती है। इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं हम। अच्छा जी, जो दूसरी अटैचमेंट है इसके अंदर वो है ये बिल्कुल बारीक सी नीडल, ये देखिए, ठीक है जी, ये इस तरह पीछे से स्क्रू हो जाएगी इस मशीन के अंदर। चार्ज मैंने इसको कर लिया था, ठीक है, ये फुली चार्ज्ड है और ये इस तरह से हम पिन इसके अंदर लगाएंगे, इसको इस तरह से घुमा देंगे और ये देखिए, ये लग गई इसके अंदर पिन। अच्छा जी, इस मशीन के ऊपर अब आपको बटन्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है, अगर क्लियरली आपको नजर आ रहे हैं, यहां पे है ऑन एंड ऑफ का बटन और उसके अलावा यहां पे एक बटन है जिसपे लिखा हुआ है आउट और साथ में स्पीड्स दी हुई है कुछ 1, 2 और 3 नंबर की। ठीक है जी, ये जो बटन है ये इस मशीन को ऑन करने के लिए यूज होगा, इसको हम प्रेस करेंगे थोड़ी देर के लिए तो ये मशीन ऑन हो जाएगी और उसके बाद इसी बटन से हम इसकी स्पीड सेट कर सकते हैं कि आपने इसे कौन से नंबर पे रखना है। इसकी बुकलेट में लिखा हुआ है कि स्पीड्स है, असल में द बुकलेट इज लिटरली इन सम एलियन लैंग्वेज, क्योंकि एक साइड पे तो इसके आई गेस चाइनीज है लिखी हुई और जो दूसरी साइड है उस पर इंग्लिश लिखी हुई तो है, बट उस इंग्लिश को समझना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि वो अजीब सी ट्रांसलेशन हुई हुई है। ओके, सो जो 1 है दैट इज लो पावर, 2 इज मिडिल पावर एंड 3 इज हाइएस्ट पावर। ठीक है, मैं इसको रखती हूँ मिडिल पावर पे, यूजली हाइएस्ट पे यूज नहीं करती, यानी कि 2 नंबर पे। अब आपने इसकी पावर सेट कर दी है, ठीक है जी, पावर सेट हो गई है और ये जो नीचे बटन है दैट इज द वर्किंग बटन, इसको आप जब प्रेस करेंगे तो इसकी लाइट हो जाएगी ग्रीन और इसका मतलब होगा इट इज रेडी टू यूज। आप जब इसको यूज कर रहे होंगे तो आपने इसको प्रेस करके रखना है और जब आप इसको यूज करना छोड़ देंगे तो आप इसे हाथ से छोड़ देंगे तो इसका जो है वो जो फंक्शन है इलेक्ट्रिक जो पल्स देता है ये वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसको यूज किस तरह से करना है, बहुत आसान है, एज द नेम गोज के इट इज अ पेन, तो आपने इसको पेन की तरह यूज करना है। जहां भी आपको मोल है, अब मैं काफी सारे अपने चेहरे पे से चूंकि रिमूव कर चुकी हूँ, बाजुओं से भी मैंने काफी सारे रिमूव किए हैं, चेहरे पे से भी मैंने रिमूव किए थे, तो अब यहां पे ये एक मोल नजर आ रहा है, इसके साथ ये मुझे एक्ने भी थोड़ा सा हुआ है बिकॉज इट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल द ऑयली थिंग्स दैट आई एट ड्यूरिंग रमजान।
तो ये वाला जो मोल है ये मैं आपको रिमूव करके दिखाती हूँ। आप क्या करें कि आप एक अल्कोहल स्वैब साथ रख लें, कॉटन पे थोड़ी सी अल्कोहल लगा लें ताकि हम इसको साथ साथ क्लीन करते रहेंगे। इसको आप यूज करेंगे, साथ ही स्वैब से क्लीन कर लेंगे और उसी वक्त आपका जो मोल है वो रिमूव हो जाएगा। जी अब इसकी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि ये किस तरह से यूज करना है। पावर मैंने इसकी ऑन की हुई है, नंबर टू पे मैंने उसको रखा हुआ है, रिकमेंडेड भी है ये आप नंबर टू पे रखें, थ्री पे बहुत ज्यादा जोर का, इससे आपको जो है वो एक ऐसे जैसे थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन होती है ना वैसा आपको फील होगा, थोड़ी सी जैसे बर्न हो रही है आपकी स्किन। उसके अलावा कोई दर्द शर्द नहीं होता है, बस एक चुभन सी थोड़ी सी आपको होगी जब आप इसको यूज करेंगे, कोई दर्द वगैरह नहीं होगा। यहाँ पे आप इसे रखेंगे जो आपका मोल है, ठीक है, उसके ऊपर हम इसको रख, इसको पहले बटन को ऑन करेंगे। इस पेन को आपने जो इसकी निब है उसको अंदर की तरफ नहीं प्रेस करना है, जब हम इसे यूज कर रहे होंगे आपने निब को उसके ऊपर रख के और ये देखिए इस तरह से ऊपर फेरना है। आई होप कैमरे में जो एक स्पार्क सा है वो आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए इस तरह से आपने इसके ऊपर दो तीन दफा फेरना है और उसके बाद जो कॉटन स्वैब है उससे आपने साफ कर देना है, ठीक है। अब आपको पता नहीं कैमरे में नजर आया या नहीं आया, मगर जो एक ब्लैक पोर्शन था वो ऊपर से उतर गया। थोड़ा सा मैं इसको और करूंगी, स्किन जो जाहिर है बर्न हो रही है तो आपको थोड़ी सी एक स्मेल सी आएगी स्किन के बर्न होने की, ठीक है। नजर इसको करीब हो गए शीशे में, ये देखिए जब ब्लैक पोर्शन था वो सब गायब हो गया, यानी तिल गायब हो गया यहां पे से, और सिर्फ यहां पे एक छोटा सा ये रेड सा स्पॉट बन जाएगा, ठीक है। और ये रिमूव कर लिया मैंने, मैं अब शीशे में इसको जरा करीब होकर थोड़ा सा देखती हूँ कि मुकम्मल रिमूव हो गया या थोड़ा सा मुझे और जरूरत है। ये जो ब्लैक मोल था मेरा वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। मैं इसको अच्छे तरीके से अल्कोहल से साफ कर लूंगी, ये देखिए इसको साफ कर लिया मैंने अल्कोहल से अच्छे तरीके से। आपको नजर आ रहा होगा कि जो ब्लैक मोल था मेरा वो खत्म हो चुका है, स्किन यहां से ऊपर से थोड़ी सी बर्न हो गई है, ठीक है जी। बहुत ज्यादा नहीं करना, आपने देखा है कि मैंने पहले तीन चार दफा किया और उसके बाद एक दो दफा उसको दो दो तीन तीन दफा ऐसे रब किया है। ये मूवमेंट होगी आपके पेन की, ठीक है। दिस इज नॉट द मूवमेंट विच यू हैव टू मेक, ऐसे ऐसे इसको फेरेंगे ऊपर, लाइट सा बिल्कुल टच करेंगे स्किन के साथ और ऐसे ऐसे करेंगे तो आपका जो तिल है वो गायब हो जाएगा। अच्छा जी, तिल तो रिमूव हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, ठीक है। क्योंकि अभी जाहिर है यहाँ पे ये आपको स्पॉट बन गया जो नजर आ रहा है, इसको अच्छे से हमने अल्कोहल से साफ कर लिया ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। ये याद रखें कि आप अगर इसको एहतियात से इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी आपके बहुत ज्यादा जोर से रब करेंगे, यहां बहुत ज्यादा अंदर प्रेस करके रब करेंगे तो आपको यहाँ पे खड्डा भी पड़ सकता है स्किन में, क्योंकि ये स्किन को बर्न कर रहा है और हमने सिर्फ अपर लेयर को बर्न करना है, ठीक है ना, हमने बहुत ज्यादा अंदर तक उसको बर्न नहीं करना। तो इस वजह से आपने इसको एहतियात से इस्तेमाल करना है, अगर आप इसे करेंगे तो स्किन डैमेज हो जाएगी, ठीक है जी। अब सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं मशीन को पहले, और सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि आप इसको किस तरह के मोल्स पे यूज कर सकते हैं। आप इसको सिर्फ उन मोल्स पे यूज करेंगे जो आपके चेहरे की स्किन के ऊपर हैं, जो आपके मोटे मोल्स हैं, जैसे यहां पे मुझे एक मोल है दैट आई कैन फील विद माय फिंगर क्योंकि ये मोटा है, एंड दिस वन इज अ वेरी बिग मोल। ये आप डेफिनेटली घर में नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन इट विल बी रिमूव्ड इट विल ब्लीड। तो कभी भी ऐसे मोल्स पे इस मशीन को यूज नहीं करेंगे जो कि मोटे मोल्स हैं, सिर्फ जो स्किन के ऊपर हैं, जो वक्ती मोल्स आ जाते हैं, जो आप देखते हैं कि जी ये पहले नहीं थे और अब ये एकदम से नजर आने शुरू हो गए हैं, ये उनके ऊपर यूज होगी, ठीक है जी। ये हो गया, दूसरी बात मैंने आपको बताई कि एहतियात से यूज करना है। अगर आप समझते हैं कि आप इस मशीन को यूज नहीं कर सकते तो आप ये मत यूज कीजिए। इसकी मूवमेंट मैंने आपको बताई है कि आपने इसको ऐसे ऐसे करके स्किन के ऊपर फेरना है, आपने प्रेस नहीं करना। इट इज वेरी पॉइंटी, बहुत शार्प पॉइंट है इसकी, अगर आप ऐसे भी प्रेस करेंगे तो आपको बहुत दर्द होगा। आपने ऐसे ऐसे इसको फेरना है, ऐसे साइड पे रखें, ठीक है जी।
और एक दो तीन और चार भी मैक्सिमम होती हैं। आपके वो तिल वाली जगह पे आप इसको करेंगे, पहली दफा आप करेंगे तो आपको ऐसे जरा सा होगा क्योंकि जाहिर है वो नोक है और वो एक स्पार्क देता है, तो आपको पहली दफा टच करने पे एकदम आप इस तरह से हो जाते हैं कि कोई चीज चुभ रही है मुझे, बट देन इट्स फाइन, कोई दर्द नहीं होगा। उसके बाद आपको आपने ये अल्कोहल स्वैप साथ रखना है ताकि आप उसकी क्लीनिंग करते रहें। इन केस अगर आपसे थोड़ा सा ज्यादा हो गया है तो हो सकता है कि वहां पे एक छोटा सा आपको इस तरह जैसे फिंसी वाला दाना बन जाता है ना, जैसे वो बन जाए, हो सकता है, मगर अगर आप इसको एहतियात से यूज करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब ये कर लिया आपने, अब शाम तक, रात तक या सुबह तक आपको यहाँ पे छोटा सा जैसे नहीं होता कि एक हार्ड सी स्किन हो जाती है ऊपर से, जैसे कोई चोट लग जाए तो उसके बाद स्किन वहां से सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, यानी स्किन अपने आप को हील करना शुरू कर देती है, तो आपको शाम रात तक एक छोटा सा वहां पे इसके ऊपर बन जाएगा, ऐसे स्किन आपकी हार्ड हो जाएगी, एक दो दिन बाद वो ऊपर से उतर जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका मोल गायब हो चुका है। ठीक है, मैंने इसको यूज किया है अपने बाजुओं पे, मैंने इसको यहां मुझे एक तिल था यूज किया है, ठीक है, उसके बाद मुझे ये यहां पे तिल था मैंने यूज किया है, यहां मैं इसको यूज कर चुकी हूं, नेक पे मुझे तीन चार जगहों पे तिल थे, उधर मैंने इसको यूज किया है। यूज करने के बाद जब आपका हार्ड हो जाएगी स्किन, ऊपर से वो आपका जो छिलका सा बन जाता है स्किन का वो उतर जाएगा, उसके बाद आपको रह जाएगा निशान, जैसे कोई भी आपको चोट लग जाती है या एक्ने का निशान बन जाता है वो रह जाएगा। उस निशान को जाने के लिए जो मेरी स्किन टाइम ले रही है, इट इज एट लीस्ट 1.5 मंथ, ठीक है, इतना टाइम मैं लगा रही हूं। उसके अलावा मैं नेचुरल रेमेडीज भी साथ साथ यूज करती हूं, तो उससे यह है कि थोड़ा सा तेजी में निशान खत्म होने शुरू हो जाते हैं। ये नहीं होगा कि आपने मोल हटा दिया और एक दो दिन बाद वो गायब हो गया वहां से, ये बात याद रखिए कि आपको निशान पड़ जाएंगे, जैसे आपको ये एक लाइट सा निशान अभी भी नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये निशान नजर आ रहा होगा, यहां निशान नजर आ रहा होगा, और ये देखिए यहां भी आपको निशान, तो ये निशान आपको टाइम लेके जाएंगे, हो सकता है महीना लग जाए, दो महीना लग जाए, या आपकी स्किन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन किस तरह की है, कितनी तेजी में निशान जाते हैं उससे। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, किस तरह के तिलों पे ये इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप समझते हैं कि आप इसको घर में यूज नहीं कर सकते तो इसको प्लीज अटेम्प्ट मत कीजिए, लेकिन मैंने आपको बताया मेरे बाजुओं पे तीन चार, एक बाजू पे थे तीन चार, दूसरे बाजू पे थे, चेहरे पे थे, बहुत केयर से इसको आप यूज करेंगे तो बहुत आसान है यूज करना, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको यूज करना। हाँ जी, और स्पेशली अगर आपको कोई स्किन कंडीशन है, एक्ने है, कोई भी किस्म की स्किन की डिजीज है, तो आप इसको अटेम्प्ट मत करें। मेरी स्किन नॉर्मल है, मुझे कुछ इस तरह का मसला नहीं था, तो मैंने इसको यूज किया है और मेरे जो है वो तमाम मोल्स, जो एक्स्ट्रा मोल्स मुझे लगता था कि नहीं होने चाहिए, वो खत्म हो गए हैं। ठीक है जी, दूसरी बात ये कि अब मैंने इसको जो यूज किया है वो स्टेप्स में यूज किया, यानी मैंने एक ही दफा चेहरे के जितने भी तिल थे उनको खत्म नहीं किया, इसी तरह बाजुओं पे मैंने किया। सबसे पहले तो अगर आप इस मशीन को परचेज कर रहे हैं तो आपने सिर्फ एक को खत्म करके देखना है। मैंने सबसे पहले अपने बाजू पे यूज करके इसको देखा था और एक मोल को खत्म किया था। ठीक है, मुझे जब लगा कि मैंने इसको खत्म हो गया है, ठीक हो गया है, कोई मसला नहीं हुआ स्किन को, तो मैंने फिर उसके बाद दो को किया उसी बाजू पे, और जो मेरे दो मोल्स थे उनको मैंने किया ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए पहले कि किस तरह से करना है। आप पैर के किसी मोल पे करके ट्राई कर सकते हैं, टांग के किसी पे करके ट्राई कर सकते हैं, डायरेक्ट फेस पे मत ट्राई कीजिए जब तक आपको इसकी वर्किंग समझ ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि वर्किंग इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग अगर आप इसका काम ठीक नहीं करेंगे, इसको ऐसे सप्रेस करेंगे तो आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी, आपको जख्म बन जाएगा, उसमें पीप भी पड़ सकती है, आपको दवाई लगानी पड़ेगी। ठीक है जी, तो इस तरह मैंने इसको पहले दो दफा ट्राई किया है, उसके बाद मैंने अपने दूसरे बाजू पे खत्म किए, उसके बाद चेहरे पे मैंने तीन तीन करके खत्म किए। ठीक है, ये नहीं किया कि एक ही दफा में सारे के सारे चेहरे पे मैंने कर लिया, क्योंकि फिर वो बहुत सारे दाग पड़ जाएंगे उसको, जो इनका बाद में दाग जो आराम आराम से जाते हैं, और वो फिर आपका चेहरा ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, नहीं दो तीन किए वो खत्म हो गए, तो फिर मैंने गर्दन वाले दो तीन मुझे यहाँ पे थे मैंने वो खत्म कर लिए, और अब ये मैंने एक छोड़ा हुआ था ताकि मैं इसको वीडियो में खत्म कर सकूं आपको दिखा के, और फिर मैंने इसको भी खत्म कर लिया है। अब इसका जो है वो आप मेरी आगे जो वीडियोज आएंगी आप उनमें देख लीजिएगा कि यहाँ पे तिल का जो है मतलब क्या इफेक्ट है, कितनी देर में ये दाग खत्म हो रहा है। अच्छा, कुछ तिल ऐसे भी होते हैं जिनको आप रिमूव कर देते हैं इस मशीन से और वो बाद में वापस भी आ जाते हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि अगर कोई ऐसा तिल है जो बाद में वापस आ रहा है
तो आप उसको फिर दोबारा से मत अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि जाहिर है इसका मतलब उसकी जड़ें अंदर बन चुकी हुई हैं और वो बार बार आता रहेगा, तो वो आप अपनी स्किन को सिर्फ डैमेज ही करेंगे उस जगह से बार बार करके, तो उसको आप दोबारा मत छेड़ें। मैंने जिन जिन को साफ किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पहले नहीं थे मेरी स्किन पे और उसके बाद आ गए, तो मैंने इस वजह से इनको किया है, तो आप 3 महीने 4 महीने गुजर चुके हैं, ये वापस नहीं आए, तो इसका मतलब है कि ये टेम्परेरी थे, स्किन की अपर लेयर में थे, तो ये साफ हो गए। चलें जी, अब आ जाते हैं इस मशीन की प्राइस की तरफ कि ये मशीन कितने की है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैंने मंगाई किधर से, सिंस आई लिव इन सऊदी अरेबिया, तो मैंने इसको ऑनलाइन परचेज किया था noon.com से, ठीक है। बहुत से लोगों को इस वेबसाइट का पता है और मैं काफी चीजें वहां से परचेज भी करती रहती हूँ, एंड आई परचेज इट फॉर 54 सऊदी रियाल, ठीक है। अब नून में क्या होता है कि जब आप कोई चीज ढूंढते हैं ना, जो ऑनलाइन ये शॉपिंग वेबसाइट है, उसमें आप पहले तो इसका नाम लिख लीजिए मोल रिमूवर पेन, ठीक है, कॉस्मेटिक मोल रिमूवर पेन लिख लीजिए, मोल रिमूवर पेन लिख लीजिए, या आप जहां भी अपने मुल्क में जिधर भी सर्च करें इसी नाम से जाना जाएगा। हो सकता है कि कोई कंपनी आपको जो आए वो डिफरेंट आए, क्योंकि मैंने जब नून पे इसको सर्च किया तो ये कंपनी नेम से नहीं आ रहा था, उसमें यही लिखा हुआ था कि मोल रिमूवर पेन है, ठीक है जी। और जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया तो उन्होंने भी इसी तरह से, उनकी कंपनी का नाम शायद डिफरेंट था, दे आर ऑल चाइनीज प्रोडक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, और उनका कोई हार्ड एंड फास्ट नेम नहीं है इस तरह, तो आप मोल रिमूवर पेन लिख के सर्च कीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद नून पे क्या होता है कि काफी सारी प्राइसेस आ जाती हैं, तो मैंने जो सिलेक्ट किया था इट वाज ऑफ 54 सऊदी रियाल, आपको थोड़ी हाई प्राइस भी मिल रही होगी, मे बी इससे लो प्राइस वाला भी मिल रहा हो, एंड अनफॉर्चुनेटली अब जब मैंने उसको सर्च किया, क्योंकि आई परचेज दिस डिवाइस ऑलमोस्ट 4 मंथ्स बैक, तो अब जब मैंने उसे सर्च किया कि मैं लिंक दे दूं इसका, तो फिलहाल वो वाली डील मौजूद नहीं है, लेकिन राउंड अबाउट आपको इतने का ही मिल जाएगा। अगर मैंने 54 का लिया तो आपको हो सकता है 60 का मिल जाए, मे बी 50 का भी मिल जाए, तो इसकी प्राइस इतनी ही है, इससे ज्यादा की नहीं है ये। अगर आपको कहीं जाके आप इसको खरीद सकते हैं, आपको कहीं पड़ा हुआ नजर आ रहा है तो आप वहां से भी जाके ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो पहले मैं मेंशन करना भूल गई वो ये है कि अगर आप आईज के करीब कोई तिल वगैरह है तो इसको वहां पे यूज मत कीजिए, ठीक है। ये एरिया हमारा बहुत सेंसिटिव होता है, इसको बिल्कुल यहाँ पे जो तिल है उनको रहने दीजिए, यहाँ पे इस एरिया में कीजिए, यहाँ पे मैंने किया था जो नियरेस्ट टू आई दिस प्लेस थी जो जहां पे मैंने किया था, ठीक है, इसको तो इसको आईज के करीब बिल्कुल ना यूज कीजिए। तो चलें जी, ये तो इसकी प्राइस भी हो गई, आई थिंक इट इज अ वेरी रीजनेबल प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट दैट गिव्स यू दिस रिजल्ट। ये खुद मैंने टेस्ट किया है तो मैं आपको बता रही हूं इसके बारे में। अब यूज करना ना यूज करना वो जाहिर है आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मुझे यूज करना नहीं आता था, जिन्होंने रिकमेंड किया उन्होंने भी बताया, उसके अलावा मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी, आप भी देख सकते हैं, और यूट्यूब वीडियोस अगर आप देखना चाहें किसको किस तरह से यूज करना है, और इसका एज सच कोई साइड इफेक्ट मुझे अभी तक नजर नहीं आया। इट्स जस्ट लाइक कि आपने स्किन पे छोटा सा कोई जख्म कर लिया और उसके बाद वो हील हो गया। हाँ, अगर आप इसको यूज सही तरीके से नहीं करेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा आप इसको प्रेस करेंगे, ज्यादा देर के लिए यूज करेंगे, तो फिर जाहिर आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी एंड डेफिनेटली वहां पे स्कार बन जाएगा, हो सकता है निशान पक्का हो जाए, जाए ही ना, तो ये है कि आपने यूज एहतियात से करना है। तो जी, ये है इस प्रोडक्ट का सारे का सारा रिव्यू, आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। यूज करना भी मैंने आपको बता दिया, कहाँ यूज करना है नहीं करना वो भी मैंने आपको बता दिया है, सब चीजें मैंने आई होप इसकी कवर कर ली हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस मशीन के बारे में या इसको यूज करने के बारे में, तो आप जो है वो इसको कॉमेंट्स बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिए। इसका जब आप ये उतार लेंगे आगे से, तो इसको भी आप अच्छे से अल्कोहल स्वैब से साफ कर लीजिए और फिर इसको संभालिए। यूज करने के बाद हमेशा इसकी क्लीनिंग कर लेंगे और उसके बाद इसको संभालेंगे, इसी तरह से नहीं संभालना है। बच्चों की रेंज से इसको बिल्कुल दूर रखिए, बच्चों को ना पता चले कि ये क्या चीज है, ये कैसे काम करती है, जाहिर वो अपने आप को इससे जख्मी कर सकते हैं। तो चलें जी, आप इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रोडक्ट रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कॉमेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।